आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 5 सितंबर 2020 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के अपने पास क्या कर रहा है, रूट्स के प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट अपने पास किसके बराबर है, यहाँ पर देखो अपने पास इक्वेशन क्या दे रखा है, 9x² - 10 18 mod x के बराबर और +10 5 के बराबर इक्वल टू आगे किसके बराबर, 0 के बराबर। एक चीज आपको ये जब मॉड पढ़े होंगे ना तो बेसिक मैथमेटिक्स में एक चीज बताया जाता है कि ये जो अपने पास मॉड होता है ना, मॉड अपने पास मॉड एक्स लिखिए या मॉड एक्स का स्क्वायर लिखिए या एक्स स्क्वायर का मॉड लिखिए, बात बराबर है। यानी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं मॉड एक्स और इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर या गया अपने पास, और -10 या गया अपने पास 18 मॉड एक्स के बराबर और +10 5 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, ये अपने पास थोड़े बहुत मॉड की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर क्या कहते हैं, मॉड एक्स को हम टी मान लेते हैं। मॉड एक्स को क्या मान लिया, टी की जगह अपने पास एम मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही एम माने तो अपने पास क्या लिखा हुआ, 9m² - 10 अपने पास आ जाएंगे 18m और +10 5 इक्वल टू 0 के बराबर। एम को अपने पास फैक्टर कर लीजिए, जैसे ही फैक्टर करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएंगे, 9m² - 9×5 45। ठीक है, तो 9×5 14 आ जाएगा, तो अपने पास 45 के आ जाएंगे, 10×5 45, 9×45 भी अपने पास नहीं आएंगे। तो यहाँ से अपने पास ऐसा फैक्टर कीजिए जो कि अपने के पास ये बन जाए, तो 15×3 45, 15×3 18, यहाँ के अपने पास 9m² और -10 अपने पास आ जाएंगे 15m और -10 अपने पास आ जाएंगे 3m के बराबर। अब फैक्टर करने आपको आना चाहिए, अगर फैक्टर नहीं करने आता तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपने पास 3m, यहाँ के अपने पास 3m और -10 अपने पास आएंगे 5 के बराबर, -10 1 कॉमन ले लोगे तो यहाँ के अपने पास 3m और -10 अपने पास 5 के बराबर इक्वल टू आगे अपने पास बराबर 0 के बराबर। किसी को कोई इतराज हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लो तो आगे अपने पास 3m -10 1 और इंटू अपने पास सॉरी -10 1 नहीं बल्कि अपने पास -10 5 के बराबर और इंटू अपने पास आ जाएंगे तो 3m और -10 1 इक्वल टू आगे अपने पास बराबर 0 के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से m इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे तो 5/3 के बराबर और यहाँ से m इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे तो यहाँ से आ गया 1/3 के बराबर। यानी m का दो वैल्यू आ गया, 5/3 और m का वैल्यू अपने किस तरह आ गया 1/3 के बराबर। m माने क्या थे, तो m अपने पास माने थे मॉड x, यहाँ से अपने पास मॉड x इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे तो 5/3 के बराबर, हाँ है ना। और यहाँ से अपने पास दूसरा मॉड x इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 1/3 के बराबर। अगर इसमें से कोई एक भी निगेटिव आ जाता तो मान लेते ये -1/3 ये अपने पास रिजेक्ट हो जाता अगर निगेटिव आ जाता, लेकिन दोनों तो अपने पास पॉजिटिव ही आया। यहाँ से अपने पास x इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, +- मॉड हटेगा +- आएगा। ठीक है, और यहाँ से अपने पास x इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे तो +-1/3 के बराबर। अब क्या करें कि इस सबको मल्टीप्लाई कर लो, इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, इसको भी अपने पास क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, फुल एंड फाइनल आंसर बताओ, FNF फुल एंड फाइनल आंसर। तो आपने पास क्या पूछा, प्रोडक्ट पूछा है, प्रोडक्ट इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे तो 5/3 मल्टीप्लाइड बाय अपने पास -10 5/3 के बराबर। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय अपने पास किस तरह आ जाएंगे तो 1/3 और इंटू अपने पास किस तरह आ जाएंगे तो -10 1/3 के बराबर। सॉल्व कर लो तो यह गया 3 * 9 = 27 * 81, यानी डिनोमिनेटर में तो 81 आ जाएगा। ठीक है, 5 * 25 तो नॉमिनेटर में अपने पास 25 आएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी अपने पास फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे 25/81 के बराबर। 25/81 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी IIT बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने का जेईई मेंस के 5 सितंबर 2020 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम से नॉर्मल में आया तो बना कराना है, ये हार्डली 10 सेकंड पर 30 सेकंड एक मिनट का क्वेश्चन है, उससे ज्यादा का क्वेश्चन है नहीं। हम आपको समझा रहे थे इसीलिए इतना टाइम लगे, अदरवाइज ये 30 सेकंड से 40 सेकंड में बन जाता। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंग्लिश शब्द आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।